ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर से अपना फिजिकल डिजायर पूरा करती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1981 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी जिसका नाम है लेडी जनरलिस्ट लवर। मूवी की स्टार्टिंग में हम घोड़ों की रेस देखते है। हमेशा की तरह वो रेस एक क्लिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है। वो अपनी पत्नी कोनी को ये खुशखबरी देता है कि वो ये रेस जीत चुका है और इस खुशी में शाम को उनके घर पार्टी होगी। अब रात को क्लिफर्ड अपनी खूबसूरत पत्नी कोनी के साथ डांस कर रहा था, तभी उन्हें खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है। इस वजह से अगले ही सुबह क्लिफर्ड सेना में चला जाता है, जहां वो उस जंग में शामिल होता है, पर वो उस जंग में बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस वजह से अब वो अपंग और नपुंसक बन गया है। इसीलिए अब वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहता है और कोनी उसका ख्याल रखती है। क्लिप से बेड पर अब कुछ हो नहीं पाता था, इसीलिए कोनी की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मेरे लिए तुम अपनी लाइफ खराब मत करो। वो कहता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इसीलिए अगर तुम्हें कोई आदमी पसंद आता है तो तुम उसे प्यार कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उनका कोई बच्चा होता है तो वो उसको अपना वारिस बनाएगा। लेकिन कोनी कहती है कि कभी ये मत भूलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ उनका गेम कीपर ओलिवर आता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि मुझे घर तक छोड़ दो, तो ओलिवर क्लिफर्ड को घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ ओलिवर को कोनी बहुत पसंद आ जाती है। जब वो जाने लगता है तब वो मुड़ मुड़ के कोनी को देखने लगता है। एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाते है, पर डॉक्टर के बदले एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन था, जो अब क्लिफर्ड का इलाज करने लगती है। तभी क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ओलिवर से मिलके पता करो कि अंडे अच्छे हैं या नहीं। तो कोनी ना जानते हुए भी वहाँ जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ओलिवर अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को साफ कर रहा है। ओलिवर को ऐसी हालत में देखकर कोनी को कुछ कुछ होने लगता है। वो बस उसकी बॉडी को देखते ही रह जाती है और उसे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि उसे ओलिवर मिला ही नहीं। अब वो नर्स भी क्लिफर्ड के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रुक जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सोने जाती है तब उसे बार बार ओलिवर का ही ख्याल आता है। वो चाहकर भी उसे बुला नहीं पा रही थी और वो उसके ख्यालों में खो जाती है और अपनी बॉडी को टच करने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर से उसे अंडे देखने के लिए भेजता है, लेकिन जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात भी नहीं करता। वो समझ गया था कि कोनी उससे क्या चाहती है, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई अफेयर हो, क्योंकि वो उनका एक आम नौकर था। इस वजह से कोनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली बार जब वो ओलिवर से मिलती है तो ओलिवर उसे अपने कॉटेज की चाबी दे देता है। अब वो जब चाहे पक्षियों को देखने आ जा सकती थी। अब वो हर रोज ओलिवर के पास जाने लगी, वो बस ओलिवर को देखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे नन्हे चूजे दिखाता है, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। दरअसल उनका कोई बच्चा नहीं था और क्लिफर्ड की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब होगा भी नहीं। तब ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। यहाँ वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इसके बाद कोनी को काफी गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भागने लगती है। उसे आता देख मिस बोल्टन भी देख लेती है। इसके बाद कई दिनों तक वो ओलिवर से नहीं मिलती। वो उसे प्यार तो बहुत करती थी पर वो जानती थी कि ये गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ ओलिवर भी कोनी को देखने के लिए तरस गया था और एक दिन वो कोनी के घर तक आता है इस उम्मीद में कि उसे एक बार कोनी देख जाए। उसे कोनी तो नहीं देखती पर मिस बोल्टन उसे घर के बाहर देख लेती है। एक दिन जब कोनी घर के बाहर बैठी थी तब ओलिवर उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। कोनी कहती है कि नहीं। फिर वो उसे जंगल में ले जाता है जहाँ अगेन दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन ओलिवर क्लिफर्ड के घर आता है जहाँ कोनी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ क्लिफर्ड आता है। वो ओलिवर से पूछता कि क्या हुआ, तो ओलिवर कहता है कि मैंने दो शिकारियों को पकड़ा है जो अवैध शिकार कर रहे थे। पर यहाँ क्लिफर्ड को कोनी और ओलिवर पर शक हो जाता है। क्लिफर्ड ओलिवर से कहता है कि उन शिकारियों पर मुकदमा चलाओ, लेकिन इस पर कोनी कहती है कि उन्हें छोड़ दो। क्लिफर्ड कहता है कि मैं एक शर्त पर उन्हें छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर उन दोनों को पीटे तो, वरना ओलिवर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ओलिवर ना चाहते हुए भी उन दोनों को पीटता है। एक दिन जब कोनी ओलिवर से मिलने जाती है तब वो ओलिवर को बताती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर कहते हैं कि क्लिफर्ड का क्या होगा, तो कोनी कहती है कि मैंने उसे बात की है, वो एक बच्चा और वारिस चाहता है। तब ओलिवर पूछता है कि क्या वो हमारे बारे में जानता है। इस पर कोनी कहती है कि नहीं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, जब हमारे बारे में उसे पता चलेगा तो वो क्या कहेगा।
पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है। और वो कोनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात मेरे कॉटेज में बिताओ। जब कोनी घर जाती है तो मिस बोल्टन को कोनी के सर पे एक घास का तिनका दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। इसके बावजूद भी वो ओलिवर से मिलना जारी रखती है। वो ओलिवर से कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे कॉटेज में जरूर बिताऊंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं क्लिफर्ड को नहीं छोड़ सकती, उसे मेरी जरूरत है। वो ये भी कहती है कि वो जानता है कि मुझे किसी की जरूरत है। ओलिवर कहता है कि तुम अगर उसे मेरे बारे में बताओगी तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। वो कहता है कि मैं एक नौकर हूँ और वो कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उनका वारिस बने। जब कोनी वापस आती है तब शाम ढल जाती है। क्लिफर्ड उसे वापस आते देख लेता है। कोनी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। पर असल में वो जानता था कि कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उन दोनों की इंसल्ट करने के लिए अगली सुबह ओलिवर के पास जाता है। पर ओलिवर अपने घर ना होकर क्लिफर्ड के घर के पास ही था। वो कोनी से कहता कि आज रात तुम मेरे साथ बिताओगी, तो वहीं दूसरी तरफ क्लिफर्ड जानबूझकर अपने ट्रिपल सीटर की जड़ में फंसा देता है और फिर कोनी को आवाज लगाता है। वो कोनी से कहता है कि तुम धक्का लगाओ। इस तरह वो कोनी पर कीचड़ उछालता है। इसके बाद वो ओलिवर को आवाज लगाता है और उसके साथ भी सेम वैसा ही करता है। उस रात क्लिफर्ड के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है और दोनों एक घर में जाते हैं जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। यहां क्लिफर्ड की रात को नींद उड़ जाती है और उसे लगा कि कोनी घर पर नहीं है, इसीलिए वो किसी तरह कोनी के कमरे तक पहुंचता है। जहां वो देखता है तो कोनी कमरे में नहीं थी। जब सुबह होती है तो क्लिफर्ड कोनी को घर आते देखता है। कोनी कहती है कि तुमने ये कहा था कि तुम्हारे लिए एक आदमी पसंद करो। क्लिफर्ड कहता है कि हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम एक नौकर ओलिवर से रिश्ता बनाओ, सोचो अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो। अब इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकल देता है। जब वेनिस में कोनी अपनी सिस्टर के साथ होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो फिर से क्लिफर्ड के पास आ जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है और वो ओलिवर को ढूंढ लेती है। वो ओलिवर को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उसके साथ रहना चाहती है और वो क्लिफर्ड को छोड़ देगी। लेकिन ओलिवर कहता है कि तुम्हें एक बच्चा और एक वारिस मिल गया है, तुम अपने घर चले जाओ। पर कोनी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि हम तुम्हारे खेतों से अपना गुजारा कर सकते हैं, तो ओलिवर उसकी बात मान लेता है। इस तरह क्लिफर्ड के घर के दरवाजे कोनी के लिए हमेशा बंद हो जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।